पुतिन के सबसे करीबी की पश्चिमी देशों को चेतावनी क्या है, अब ये देख लीजिए। पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने क्या कहा है, वो बहुत अहम है। जंग लंबी होने से नया मिलिट्री ब्लॉक बन सकता है, ये कह रहे हैं मेदवेदेव। अमेरिका से परेशान देश अलग संगठन बना सकते हैं। अमेरिका यूरोप छोड़ेगा, यूक्रेन के पास कुछ बचेगा नहीं, ये मेदवेदेव ने चेताया है। तो देखिए, दिमित्री मेदवेदेव को नंबर दो माना जाता है रूस में, और उनकी ये चेतावनी, उनकी ये वार्निंग आखिर क्या संकेत दे रही है, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका से तंग देशों का एक नया गठबंधन बन जाएगा, ये आसार जता रहे हैं मेदवेदेव। यूक्रेन के पास कुछ बचेगा नहीं, नया मिलिट्री ब्लॉक बनेगा, अमेरिका यूरोप छोड़ेगा। इतिहास में ऐसा ही हुआ, रूस के खिलाफ जो साजिशें रची जा रही हैं वो पूरी तरह से नाकाम होंगी, ये कह रहे हैं दिमित्री मेदवेदेव। और दिमित्री मेदवेदेव का ये बयान अपने आप में जंग की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए बहुत अहम माना जा सकता है। और आइए अब कुछ और अहम तथ्यों पर नजर डाल लेते हैं, किस तरह के आसार बन रहे हैं और अमेरिका को क्या जताने की कोशिश की जा रही है रशिया की तरफ से। ऐसे में मेदवेदेव का यह बयान सामने आया है, इसके मायने दरअसल हैं क्या, यूक्रेन के मनोबल को गिराने की कोशिश साफ तौर पर नजर आती है। कीव की वेपन सप्लाई रोकने की कोशिश की जा रही है, अमेरिका नेटो को दबाव में लाना चाहते हैं, और यह भी एक बड़ा मकसद हो सकता है इस बयान के पीछे। कीव को वेपन सप्लाई पर पश्चिम को डराने की कोशिश तो वो कर ही रहे हैं। ऐसे में मेदवेदेव का यह बयान कितना है, मैं मनीष जरा समझाएं हमारे दर्शकों को, इसके मायने क्या है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मेदवेदेव रूस के राष्ट्रपति रह चुके हैं, नेशनल काउंसिल के अभी वो वाइस चेयरमैन है, तो वैसी स्थिति में जब वो ये बातें कहते हैं तो ये निश्चित तौर पर बहुत ही सोचने वाली बात है। क्योंकि देखिए, ब्लॉक तो बन ही रहा है, रूस, चीन का, ईरान का, नॉर्थ कोरिया का, इन देशों का तो एक ब्लॉक बन ही रहा है। अब सवाल यह है कि भारत जैसे वो देश जो अब तक न्यूट्रल हैं, और आज की तारीख में जब आपके पास विकल्प होता है कि आप या तो इस पार रहें या उस पार रहें, तो ऐसे बहुत सारे न्यूट्रल देशों के लिए भी दबाव आने वाले दिनों में बनने लगेगा कि या तो आप अमेरिका लीड ब्लॉक में जाएं या फिर रशिया लीड ब्लॉक में जाएं। हाँ, एक बात जरूर है कि यूरोप की स्थिति बहुत खराब है, ये बात अब दिखने लगी है। कितनी जल्दी यूरोपियन देश इसे रियलाइज करते हैं ये देखने वाली बात है। लेकिन नाटो में भी दरार की जो खबरें सामने आ रही हैं मनीष, क्या वाकई उसमें दम नजर आता है? हमने देखा लेपर्ड टैंक की डिलीवरी को लेकर जर्मनी और पोलैंड आपस में कैसे भिड़ते नजर आ रहे हैं, किस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल, देखिए यूरोप में अभी इन तमाम देशों में देखें, अगर नाटो देशों में जर्मनी और पोलैंड के बीच टैंक डिलीवरी को लेकर हम देख ही रहे हैं। हाँ। ये सभी देश ये भी कहते हैं कि फ्रांस कैसे चुपचाप है, आप फ्रांस के रिएक्शन को देखिए, आप वहां पर देखिए स्वीडन और फिनलैंड जैसे देश बहुत अग्रेसिव हैं कि हम लड़ाई के लिए तत्पर हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश समझ रहे हैं कि रूस के साथ इस लड़ाई को और अधिक बढ़ाने का मतलब है कि फिर इन सब देशों को डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होना होगा। और याद करिए कि जब मिसाइल गिरे थे पोलैंड में, तब रूस ने, पोलैंड के राष्ट्रपति ने क्या कहा था, हमें हर हालत में रशिया के साथ डायरेक्ट वॉर को अवॉइड करना है। तो कितने देश हैं यहां पर हैं जो कि इस पोजीशन में कि वो रशिया के साथ डायरेक्ट वॉर कर सकते हैं।